हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का ON7 Pro। फ्रेंड, ये सैमसंग का ON7 Pro है, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि यह फ़ोन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह से सैमसंग लोगो लिख के आता है और इसी तरह रुके रहता है और मोबाइल नहीं खुलता है। तो फ्रेंड, इस सेट को हार्ड सेट करके इस फ़ोन का मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, शिवम मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को हम लोग ऑफ़ करेंगे, तो इसे ऑफ़ करने के लिए इसका बैटरी को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसे रिमूव करके फिर से लगा देंगे। लगा दिए, अब हमारा फ़ोन जो है वो ऑफ़ हो गया है। अब यहाँ क्या करना है ध्यान से देखिए। तो चलिए हार्ड रिसेट का प्रोसेस आपको बताते हैं। ये है वॉल्यूम अप बटन, ये है डाउन बटन, ये है होम बटन और इस साइड में है पावर बटन। तो हम लोग क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और होम बटन को एक साथ दबाना है और उसके बाद पावर बटन को दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉल्यूम अप बटन और होम बटन को दबा दिए और उसके बाद पावर बटन को हम लोग दबा दिए। जैसे यहाँ लोगो लिख के आएगा सैमसंग का, पावर बटन को छोड़ देंगे और उसके बाद जैसे यहाँ ऑप्शंस आ जाएगा तो हम लोग ये दोनों बटन को भी छोड़ देंगे। अब हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर बहुत सारा ऑप्शंस आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। तो हम लोग को वॉल्यूम डाउन बटन की मदद से वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आ जाना है। आ गए, अब हम लोग को पावर बटन से ओके कर देना है इस पर। तो कर दिए, अब यहाँ लिख रहा है नो और नीचे लिख रहा है यस। तो हम लोग को यस पे आना है वॉल्यूम डाउन बटन से। आ गए, अब हम लोग को पावर बटन से ओके कर देना है। ठीक है, अब हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट हो रहा है, हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे में लिखा गया है डाटा वाइप्ड सक्सेसफुली कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ। तो अब हम लोग को इस फ़ोन को रिबूट करना है, तो पावर बटन दबा के इस फ़ोन को हम लोग रिबूट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हमारा फ़ोन जो है रिबूट मोड में चला गया है। यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट, 6 मिनट लग सकते हैं, मेरे को तो 10 मिनट तक लग गई थी। तो जितना भी समय लगे आपको वेट करना है, जब तक यह फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए। फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिससे आप अपने मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा भगा रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका कीमती समय बर्बाद ना हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा भगा दे रहा हूँ। पर आपको यहाँ पर वेट करना है। अब हमारा फ़ोन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट होने से पहले इसी तरह से एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, इसे इंस्टॉल होने दें। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ बारी बारी से 2-3-4 एप्लीकेशन खुद ब खुद इंस्टॉल होंगे, उसके बाद हमारा फ़ोन जो है वो खुल जाएगा। तो आपको वेट करना है। फ्रेंड, हार्ड रिसेट हो जाने के बाद अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप इस फ़ोन को सर्विस सेंटर में ले जाके एक बार सॉफ्टवेयर करवा लें। फ्रेंड, हार्ड रिसेट हो जाने के बाद अगर आप इस फ़ोन में गूगल अकाउंट लॉक में फंसते हैं तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें, मैं उसमें आपको गूगल अकाउंट के लॉक को बाईपास करने के बारे में बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन को हार्ड रिसेट तो कर देते हैं पर जीमेल आईडी पासवर्ड उन्हें याद नहीं रहती है और वह गूगल अकाउंट लॉक में फंस जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ फेस होती है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको इस फ़ोन का FRP बाईपास करने के बारे में बताऊंगा, मतलब गूगल अकाउंट बाईपास करने के बारे में बताऊंगा। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमारा फ़ोन यहाँ स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट पर टैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। तो चलिए आपको मैं सेटअप करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट पे टैप करते हैं। ठीक है, यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे इस फ़ोन से। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो इस फ़ोन से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो इस फ़ोन में आप सिम कार्ड लगा के भी नेट चालू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अपने दूसरे फ़ोन पर हॉटस्पॉट स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक सर्च नहीं हुआ है, अभी सर्च हो जाएगा। तो हम लोग को वाईफाई नेटवर्क यहाँ पर जोड़ना है। देखिए आ गया Note 8 Pro, तो इस पर हम लोग
टैप कर देंगे, यही हमारा वाईफाई नेटवर्क है। अब यहाँ पासवर्ड डाल के इसे कनेक्ट कर लेंगे इस फ़ोन से। ठीक है, पासवर्ड डाल दिए हैं, पासवर्ड रॉन्ग हो गया है, उसे मैं सही कर रहा हूँ। इस फ़ोन का टच थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, देख सकते हैं टच कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लो काम कर रहा है, तो इसलिए मैं इसे धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि सही से पासवर्ड डला जाए। यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डाल दिए हैं, इसे कनेक्ट कर दिए, अब यह कनेक्ट हो गया है। अब नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आ गया, अब यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। थोड़ा फ़ोन स्लो काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ एग्री कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपको वेट करना है। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा भगा रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, पर आपको यहाँ वेट करना है। थोड़ी देर के बाद अगला स्टेप आएगा, जब तक अगला स्टेप आता है तब तक आपको वेट करना है। फ्रेंड, अब यहाँ पर जीमेल आईडी मांग रहा है, यहाँ वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पर लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से खुल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो प्रॉब्लम है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो फ्रेंड, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास का वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख के अपने फ़ोन का FRP बाईपास कर सकते हैं, मतलब गूगल अकाउंट बाईपास कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।